आप जो है 14 अगस्त को दुनिया को जितनी भी चूर्ण बेच ले कि हम आजाद हुए थे, ये बताइए आप आजाद किससे हुए, ये बताइए गुलाम कब हुए, ये बताइए आपका एग्जिस्टेंस कहाँ था। जो चीज अली एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है भाई। खुदा का खौफ करें, आप कुछ भी कर रही हैं, दुनिया को कुछ भी बता रही है। 14 अगस्त एट द इंडिया, तो देखिए इंडिया क्यों इंडिया है, दुनिया में बहुत से देश हैं, बहुत सी सिविलाइजेशन है, इंडिया की खास बात क्या है? इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया ने कभी अपनी बात की ही नहीं। जो ट्रूली यूनिवर्सल बात करने वाली यदि कोई फिलॉसफी है वो भारतीय फिलॉसफी है। 15 अगस्त इंसानियत का दिन है तो 14 अगस्त क्या है? 14 अगस्त इंसानियत को तोड़ने का दिन है, 14 अगस्त इंसानियत से अपने आप को अलग करने का दिन है, 14 अगस्त अपने अपनी कल्चर को डिनाई करने का दिन है, 14 अगस्त एक झूठ है। अगर हम 15 अगस्त को आजाद हुए और आप हमसे अलग हुई तो आप पहली बात तो इंडिपेंडेंस मनाती हैं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। 14 अगस्त इवन अगर हम अज्यूम कर लें कि आप सही हो, इज अ क्रिएशन डे ऑफ पाकिस्तान, हाउ द हेल इट इज इंडिपेंडेंस डे? जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो आप गुलाम किसको बना लिए? महवीश, मैं आपको गुलाम तो तभी बनाऊंगा ना जब आप एग्जिस्ट करती हो। अब आप एग्जिस्ट नहीं करती तो हम आपको गुलाम कैसे बना लेंगे? बम फट रहे हैं हमारे यहां तो नहीं फटा आज भी भाई, मस्जिद में बम, आप क्यों फट रहे हैं? तो अपनी मस्जिद का बम तो रोक लो यार, क्या दिया है उसने? मुसलमान बनने की क्या कीमत आपने चुकाई है? आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई अपने अपनी जड़ों को कुरेद दिया, आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई आपने अपनी भाषाओं पर तेजाब डाल दिया, आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई कि आपने अपनी इकोनॉमिक्स को अपने हाथ से फाड़ के फेंक दिया। कोई इकोनॉमिक्स करने वाला बंदा ये कहेगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, आप जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपने क्या बनाए हैं? आपने कोई इंसान बनाया एक भी? आप खाली और खाली लोगों को मजहबी बना रहे हो, ये कौमी बनाना। हमारे यहाँ तो पंजाबी बच्चों को, हमें तो चलो थोड़ी बहुत आती है, पंजाबी बच्चे जो अब हमारे आ रहे हैं उनको पंजाबी पता ही नहीं है, पी भी नहीं पता पंजाबी का, कुछ नहीं आता उनको। इसी को जेनोसाइड कहते हैं, जाके डेफिनेशन पढ़ लेना। हर मस्जिद में जो है आके हल्ला बोल देती थी, लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे, उन लोगों से शायद आजादी की बात की जाती है। ठीक है, मैंने कहा कि उन लोगों से आपने आजादी ले ली, अब आपके यहाँ तो लाश एक मुसलमान की भी हत्या नहीं होती होगी, और मतलब सारे मुसलमानों के घर में मेरे ख्याल से पैसे के पेड़ लगे होंगे, और शिया सुन्नी अहमदिया सब मिलकर के रह रहे होंगे, कोई बम विस्फोट नहीं होता होगा। आतंकवाद क्या होता है आपको तो पता ही नहीं होगा, पीस की तो नदियां बह रही होंगी। हर आदमी इतना ऑनेस्ट होगा, इतना ऑनेस्ट होगा कि जो मतलब ऑनेस्टी की मिसाल पेश करता होगा। ये सब हो गया ना झूठ, मैंने कहा ना पाकिस्तान हेल्यूसिनेशन है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार रहा था, क्यों मार रहा था पहले तो इसका कोई मतलब नहीं, बस मुसलमान इसलिए मार रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा और ह्यूमैनिटी का काम रहेगा। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज व्हाट वी लिव। से सबकी बात करते रहे, हमने सिर्फ अपनी बात कभी नहीं की कि तुम इंडियन हो तो तुम्हारा भला होगा, तुम इंडियन नहीं हो फिलॉसफी नहीं मानोगे तो भला होगा। हम तो कहते रहे जो इंडियन, जो वैदिक है, जो नॉन वैदिक है, सबका भला होगा क्योंकि वो तो इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। सो भारत ने हमेशा इंसानों की बात की है, वेद में भी किसी पर्टिकुलर फेथ की चर्चा नहीं है, इंसानों की चर्चा है कि इंसान कैसे होते हैं, इंसानों में क्या गुण होते हैं। जैसे योग है, वेद का मतलब योग, वेद का मतलब आयुर्वेद, वेद का मतलब फिलोसफीज, ये कोई इट्स नॉट अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। सो हमने हमेशा ह्यूमैनिटी की बातचीत की, और जब तक इंडिया रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा और ह्यूमैनिटी का काम रहेगा। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज व्हाट वी लिव इन। जिस दिन इंडिया ह्यूमैनिटी की बात ना करके सिर्फ अपनी बात करने लगेगा वो इंडिया ही नहीं रह जाएगा। इंडिया ने कभी नेशनलिटीज की बात नहीं की, इंडिया ने कभी कम्युनिटीज की बात नहीं की। द ओनली कम्युनिटी इंडिया हैज एवर स्पोकन इज लाइफ, और वो लाइफ को कई डाइवर्स फॉर्म में देखता है। आप काश कि आप सांख्य दर्शन पढ़ते, तत्त्वमसि की फिलॉसफी को अगर आप समझती तो आप समझती कि इंडिया किसकी बात करता है और क्या दीप बात करता है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू महवीश, कंग्रेचुलेशन टू अभिषेक, कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन इन द ह्यूमैनिटी, चाहे वो अफ्रीका में रह रहे हो, वो लैटिन अमेरिका में रह रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द माइटीएस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द वीकेस्ट, बिकॉज दिस इज इंडियाज गिफ्ट, नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू द वर्ल्ड। जी बताएं अभिषेक जी, आपने इंडिया की बात की, हिंदुस्तान के अचीवमेंट्स भी हमारे सामने है, हिंदुस्तान की प्रोग्रेस भी हमारे सामने है, और हिंदुस्तान का वो जज्बा भी हमारे सामने है जिसको लेके वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, यूएस ने भी डिक्लेयर किया है 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त को एज देयर नेशनल डे,
किस तरह देख रहे हैं आप इस खबर को? व्हाई ओनली 15 अगस्त, व्हाई नॉट 14 अगस्त? क्योंकि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात को इतने बुरे तो नहीं है हमेशा से, बल्कि बहुत अच्छी खासी चमचागिरी करते आए हैं यूएस की, फिर ये चीज ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? तो मैंने तो आपको जवाब दे दिया ना, हमने तो ह्यूमैनिटी की बात की। 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस डे नहीं है, ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंस डे है। ह्यूमैनिटी को इन लोगों ने अटैक किया 700 साल तक। किसी ने आके हमें बताया कि तुम्हें भगवान का आइडिया नहीं है, किसी ने हमें बताया तुम्हें पॉलिटिकल आइडिया नहीं है। ह्यूमैनिटी के ऊपर 700 साल तक अटैक होता रहा, तो समय आ गया है कि आपने 700 साल तक अटैक कीजिए। 15 अगस्त इज नॉट जस्ट एन इंडियन इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज इंडिया नेवर स्पीक्स अबाउट इंडियंस। इंडियन मींस ह्यूमैनिटी। इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल आइडिया, इंडिया एज वेल एज अ सोशल कल्चरल आइडिया विच इज यूनिवर्सल। तो 15 अगस्त जो है, अब योगा डे है जैसे आप देख ले, योगा डे सिर्फ इंडियन मंगाएगा। अगर महवीश नाज अगर योगा करेंगी तो योगा इफेक्ट नहीं होगा उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर योगा का असर नहीं होगा, उनके मानसिक उनके उनके दिमाग के ऊपर योगा असर नहीं देगा। भाई ये जो जो अमेरिका कह रहा है वो यही कह रहा है कि 15 अगस्त इंसानियत का दिन है, ह्यूमैनिटी का दिन है। अगर 15 अगस्त इंसानियत का दिन है तो 14 अगस्त क्या है? 14 अगस्त इंसानियत को तोड़ने का दिन है, 14 अगस्त इंसानियत से अपने आप को अलग करने का दिन है, 14 अगस्त अपने अपनी कल्चर को डिनाई करने का दिन है, 14 अगस्त एक झूठ है। अगर हम 15 अगस्त को आजाद हुए और आप हमसे अलग हुई तो आप पहली बात तो इंडिपेंडेंस बनाती हैं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। 14th अगस्त इवन अगर हम अज्यूम कर लें कि आप सही हो, इज अ क्रिएशन डे ऑफ पाकिस्तान, हाउ द हेल इट इज इंडिपेंडेंस डे? जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो आप गुलाम किसको बना लिए? महवीश, मैं आपको गुलाम तो तभी बनाऊंगा ना जब आप एग्जिस्ट करती हो। अब आप एग्जिस्ट नहीं करती तो हम आपको गुलाम कैसे बना लेंगे? आप पाकिस्तान के लोगों से बोलिए कि 1947 15 अगस्त से पहले भारत की एक इंच भूमि का नाम पाकिस्तान हो वो बता दे, भारत के किसी भी एक बंदे का नाम जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता हो बता दे। पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान ये था कि हम इंडियन नहीं है बस। पाकिस्तान इट्स लाइंग। 14 अगस्त इज नॉट एन इंडिपेंडेंस डे बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ऑफ रेशनल थिंकिंग। वो कहते हैं ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यू डोंट थिंक देयरफॉर यू आर नॉट। पॉइंट ये है कि आप जो है 14 अगस्त को दुनिया को जितनी भी चूरन बेच ले कि हम आजाद हुए थे, ये बताइए आप आजाद किससे हुए, ये बताइए गुलाम कब हुए, ये बताइए आपका एग्जिस्टेंस कहाँ था? जो चीज अली एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? भाई खुदा का खौफ करें, आप कुछ भी कर रही हैं, दुनिया को कुछ भी बता रही है। 14th अगस्त एट द बेस्ट, इवन इफ आई अज्यूम कि आप 14th अगस्त, एक साल तो खुद ही आपने 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, उसके बाद अचानक से आप 14th अगस्त हो गए। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आप सेक्शन 2 पढ़ेंगी और सेक्शन 1 पढ़ेंगी, वो 15th अगस्त को कहता है कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा 2 डोमिनियंस में। पॉइंट यह है कि कैसे कहें कि आप 14th अगस्त इज अ डे ऑफ लाई, 14th अगस्त इज अ डे ऑफ ब्रेकिंग द ह्यूमैनिटी एंड द एंशियंट सिविलाइजेशन, 14th अगस्त इज द डे ऑफ ट्रेजेडी, 14th अगस्त इज द डे ऑफ इननुमरेबल किलिंग्स इन द नेम ऑफ अ थ्योरी विच इज बोगस। बिकॉज अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते तो अरब में कैसे हिंदू रह रहे? अगर मोदी का यार है वो गद्दार है तो फिर शेख अल बिन जायद कैसे मोदी का यार बन गए? आप देखें जरा, आज वो अल अजहर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अबाया और बुरका ये रिलीजन नहीं है, ये कल्चर है। वो बोले ये इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक रिलीजन नहीं है, वो अरबिक कल्चर है। सॉरी, अब तो अल अजहर भी अपनी बात पे आ गया। तो 14th अगस्त इज अ डे ऑफ ट्रेजेडी। इट्स एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट कंसिडर इस ट्रेजेडी, आप खुश हैं अगर तोड़ करके अपने घर को, तो भी इट्स अ डे ऑफ क्रिएशन, नॉट अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ऑफ सैनिटी। अच्छा सर, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग मोर, 14 अगस्त और 15 अगस्त चूंकि सेलिब्रेट तो किया जाता है दोनों को, एक को पाकिस्तान में दूसरे को हिंदुस्तान में, ये दो अलग दिन सेलेक्ट क्यों किए गए? 14 और एक 15 क्यों, एक ही दिन क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अगर पार्टीशन भी मान लो हुई, मतलब इंडिपेंडेंस नहीं तो पार्टीशन तो हुई, पार्टीशन भी एक ही दिन हुई ना, तो फिर दो अलग अलग दिन दोनों के कैसे हुए? देखिए
एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए, सॉरी मेरा फोन आने लगा था, सॉरी सर। दो अलग अलग दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, पाकिस्तान में 14 अगस्त और हिंदुस्तान में 15 अगस्त, अगर पार्टीशन भी हुई, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस चलो नहीं कहते, पार्टीशन कह लेते हैं, तो वो भी एक ही दिन हुई ना, तो दो अलग अलग दिन कैसे मनाए जाते हैं, 14 और 15 में क्यों डिवाइड कर दिया गया फिर? ये प्रश्न आप मुझसे पूछिए तो आप अपने आप देखिए, पाकिस्तान इज नॉट अ नेम ऑफ क्यों रेशनैलिटी, पाकिस्तान पूरी सोसाइटी जो है ना वो जज्बात की सोसाइटी है, इमोशंस की सोसाइटी है, अजम्पशन की सोसाइटी है, देयर इज नथिंग रेशनल अबाउट पाकिस्तान, देयर इज नथिंग लॉजिकल अबाउट पाकिस्तान, देयर इज नथिंग थिंकेबल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक जिद है, पाकिस्तान एक नशा है, पाकिस्तान एक हेल्यूसिनेशन है, पाकिस्तान एक सिज़ोफ्रेनिया है, रियलिटी कुछ नहीं है आपका, आप जो रियल हो वो हो नहीं, और जो हो वो आप दिखाना नहीं चाहते। तो अब आपको हम कैसे बताएं, मतलब आप खुद सोचिए, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद होता है, आप उस दिन हिंदुस्तान से टूटते हो, आप हिंदुस्तान से टूट के बोले हम इंडिपेंडेंस बना रहे, यानी कि आपको अपने लोगों ने गुलाम बनाया हुआ था, आपको किसने गुलाम बनाया हुआ था, एक ही परिवार के लोग हिंदू थे, एक ही परिवार के लोग मुस्लिम थे। सर हम आजाद तो उन हिंदुओं से हुए ना जो मुसलमानों पे जुल्म करते थे, जिन्होंने लाशों की भरी ट्रेन भेजी थी पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने कत्ल वारत की थी, मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने देते थे, वहां पे जो हिंदुस्तान में हुकूमत थी वो हर मस्जिद में जो है आके हल्ला बोल देती थी, लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे, उन लोगों से शायद आजादी की बात की जाती है। ठीक है, आपने कहा कि उन लोगों से आपने आजादी ले ली, अब आपके यहाँ तो लाश एक मुसलमान की भी हत्या नहीं होती होगी, और मतलब सारे मुसलमानों के घर में मेरे ख्याल से पैसे के पेड़ लगे होंगे, और शिया सुन्नी अहमदिया सब मिलकर के रह रहे होंगे, कोई बम विस्फोट नहीं होता होगा, आतंकवाद क्या होता है आपको तो पता ही नहीं होगा, पीस की तो नदियां बह रही होंगी, हर आदमी इतना ऑनेस्ट होगा कि जो मतलब ऑनेस्टी की मिसाल पेश करता होगा, ये सब हो गया ना झूठ। मैंने कहा ना पाकिस्तान हेल्यूसिनेशन है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार रहा था, क्यों मार रहा था पहले तो इसका कोई मतलब नहीं, बस मुसलमान इसलिए मार रहा है, भाई कौन पागल आदमी है कि वो जो है एक आदमी का सिर्फ उसका सोचने का तरीका अलग है इसलिए उसको मारे, ये आप करते हो, हिंदुस्तान नहीं करता, हिंदुस्तान की खून में नहीं है ये, हिंदुस्तान कहता है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, एक हिंदुस्तान कहता है कि सत्य के अनेक रूप होते हैं, हिंदुस्तान इतने देवी देवताओं को मानता है उसमें से एक को और मानने को क्या करेगा, अभी आप जाके देखिए हिंदुस्तान में सदियों पुरानी वो है क्या नाम है जूस की जो वो होती है सिनेगॉग वो पड़ी हुई है, हम तो उस पे अपना टैक्स पेयर का खर्चा करके उसको हम बचाते फिर रहे कि कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, आप हैं कौन, जो वन गॉड का मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट लाना वाला इस्लाम तो है नहीं, वो तो यहूदी लेके आए थे, और यहूदियों को आप कह रहे कि यहूदी और हनूद की दोस्ती हो गई, भाई आप पिक नहीं खाते पर आपको पता है पिक नहीं खाने वाले ये भी है यहूदी, इनको पिक खाना मना है, आप जिसको आप हलाल कहती हो उसको वो कोशर कहते हैं, तो पॉइंट ये है कि झूठ का क्या कह दे, अगर कोई एक आदमी मुझे ये बोल दे कि अभिषेक मिश्रा ने मुझसे पैसे मांगे थे पास करने के लिए तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ, भाई आपका बात मान ले कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर ट्रेन भर भर के लाशें गई और रोज हम मार रहे हैं मुसलमान, लेकिन पॉपुलेशन वो 4 times हो गई, आपसे भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ मुसलमान की हो गई, ये कैसी आप ये कौन सा जेनोसाइड हो रहा है जिसमें कि साला पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दुनिया को ये जेनोसाइड पढ़ा दीजिए आप, यहाँ हिंदू बेचारे परेशान है डर के मारे उनकी वो ना चली जाए, एक और पाकिस्तान ना तोड़ दे आप, अभी वो एक बेचारे दर्जी का गर्दन काट दिया था, वो मुसलमान था कि हिंदू था, खुदा का झूठ जब तक आप बोलेंगे कि हमने आजादी इस चीज से ली तब तक आपका कोई भला नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अब दुनिया वो सच्चाई देख रही है, एक दौर था उस दौर में कुछ फियर्स थे, वो फियर एलिविएट हो गया जब आप क्रिएट हुई थी, अब दुनिया आपकी सच्चाई देख रही है, आपने यही खेल हमारे साथ खेला झूठ का, और यही खेल आपने अमेरिका के साथ खेला झूठ का, तो अमेरिका क्या कहता है पता है आपके बारे में, अमेरिकन कहता है पाकिस्तानीज आर पैथोलॉजिकल लायर्स नॉट ओनली जस्ट लॉयर्स, और वाकई ये सच है, क्योंकि आप जैसे ये जो बोला ना कि हिंदुस्तान में हिंदुओं हमें मार रहे थे मुसलमान हमें मार रहे थे, भाई आप हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हो, हम आपको कन्वर्ट करें तो आप कह रहे हो कि इस्लामोफोबिया है, हम कह दें कि भाई मत मानो मोनोथीइज्म, आप कह रहे हो कि तुम्हारे खुदा झूठे हैं, हम कह दें भाई कि तुम्हारा अगर हम तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते तुम्हारा झूठा है तो हम क्या कर ले उसमें, लेकिन पॉइंट ये कि आप साथ रहने ही नहीं चाहते, आप दूसरों में कीड़ा निकालते हो, आप मानो आपको जो मानना है, आप जिसको मान लो भैया, आप ये मान लो कि पत्नी को मारना जो है वो दैवी या डिवाइन लॉ है, और ये आप जो है आप मैली कुचैली है,
ये आपको मानना है तो मानिए, फिर हम इसमें क्या रोक सकते हैं आपको। अभी तो देखती जाइए ये सफर कहां रुकेगा, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे अपने लोगों से, अपने आप से। आपको जिसमें आस्था हो आप मानिए, लेकिन वो आपका पूरा सोशल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्पिरिचुअल नैरेटिव होगा। दूसरों में कीड़ा निकालना बंद कीजिए, दूसरों की भी इज्जत करना सीखिए और सच का सामना कीजिए। अभिषेक जी, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर झंडों और बाजों से मनाया जाने वाला 14 अगस्त इस दफा काफी हद तक अपना जज्बा खो बैठा है। इर्द गिर्द जितनी छतें नजर आती थी सब पे झंडे लहरा रहे होते थे, मगर इस दफा सिर्फ 4 दिन बाकी है 14 अगस्त में, बल्कि इन कहूँ तो 3 दिन बाकी है, अभी तक हमें किसी छत पे कोई झंडा लहराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह, आपको क्या लगता है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर अब लोगों के अंदर से वो जज्बा मर गया, या लोग रियलिटी से वाकिफ होते जा रहे हैं? पाकिस्तान ने क्या दिया अपने लोगों को, क्या दिया है? पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तानी गो बैक, पाकिस्तान का मतलब है ग्रूमिंग गैंग ऑफ यंग इनोसेंट लड़कियों को, 12-13 साल की लड़कियों को। ये यूके की उन्होंने कहा था कि 12-13 साल 14 साल की बच्चियों को ग्रूम करते हैं फॉर सेक्स के लिए। ये पाकिस्तान का अचीवमेंट है। क्या दिया है पाकिस्तान ने अपने लोगों को, क्या दिया? रोटी दे दी, हिंदुस्तान से आजाद हो गए तो मस्जिदों में बम फट रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं फटा आज भी भाई मस्जिद में बम, आप क्यों फट रहे हैं? तो अपनी मस्जिद का बम तो रोक लो यार। क्या दिया है उसने? मुसलमान बनने की क्या कीमत आपने चुकाई है? आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई, अपने अपनी जड़ों को कुरेद दिया। आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई, आपने अपनी भाषाओं पर तेजाब डाल दिया। आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई कि आपने अपनी इकोनॉमिक्स को अपने हाथ से फाड़ के फेंक दिया। कोई इकोनॉमिक्स करने वाला बंदा ये कहेगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। आप जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपने क्या बनाए हैं? आपने कोई इंसान बनाया एक भी? आप खाली और खाली लोगों को मजहबी बना रहे हो, लोगों को मजहबी बना रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं बना रहे हो। आप बोले सब बेकार है, इन्वेस्टमेंट बेकार है, FDI बेकार है। मैंने आपके बड़े बड़े तर्जियाकारों को ये कहते हुए सुना है। तो क्या आपने मुसलमान बना के उन बेचारों को क्या दिया? वो तो इंसान थे, आपको तो फ्रीडम मिली ना कि 24 करोड़ लोगों को हम इंसान बनाएंगे, अपनी तरीके से बताएंगे। वह हिंदुस्तान तो बेकार का कल्चर है, हम बताएंगे कैसे इंसान बनता है। ये इंसान बनाया आपने, ये इंसान बनाया आपने जो अपने यहां झूठ बोल रहा है, बाहर झूठ बोल रहा है, बाहर चोरी कर रहा है। स्वीडन की रिपोर्ट, पाकिस्तानियों को मत पढ़ाओ यूनिवर्सिटीज में मत आने, तो नॉर्वे की रिपोर्ट खतरा है हमारे लिए। डेनमार्क ने स्वीडन और डेनमार्क ने अपनी आप कैसे, स्वीडन ने शायद एम्बेसी बंद कर दी, जर्मन फ्रेंच आपके यहाँ आना नहीं चाहते, कहाँ आपको वेलकम किया जाता है। तुर्की राहत चाहता, तुर्की ने भी कह दिया पाकिस्तानी गेट आउट। ग्रीस ने आपको वीजा देने से मना कर दिया है। ये बनाया आपने, आपने मुसलमान बना दिए, इंसानियत मार दी, और इसमें आपने इस्लाम का भी नुकसान कर दिया, क्योंकि 24 करोड़ लोग इस मानसिकता के बना दिया आपने। आपने मुसलमान बनाने की कीमत इंसानियत दे करके चुकाई है। आपने मुसलमान बनाने की, अपने मर्जी का मुसलमान बनाने की कीमत सच को झूठ बना के चुकाई है। एंड नाउ इट्स अ पे बैक टाइम। सर, होपफुली ये सारी चीजें जो हैं, ये रियलिटीज जो हैं, हमारे यूथ को आहिस्ता आहिस्ता पता लगना अभी शुरू हुई है, सिर्फ शुरू हुई है, और लोगों की छतों से झंडे गायब हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में लोगों के हाथों से बाजे भी गायब हो जाएंगे, और वो इस रियलिटी से काफी हद तक वाकिफ हो जाएंगे कि सिर्फ कौमी तराने सुनने से और झंडे लहरा लेने से आपको फ्रीडम नहीं मिलता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती, इंडिपेंडेंस ही नहीं मिलती। एक बात कहूंगा, पाकिस्तान कौम है, पाकिस्तान कौम नहीं है बच्चे। फिर क्या? I want to know. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उम्मा और कौम में तो बहुत अंतर है। अब एट द मोस्ट उम्मा हो, कौम को मारने का नाम है पाकिस्तान, कौमियतों की जिनोसाइड करने का नाम है पाकिस्तान। पंजाबी हो आप, पंजाबी को पंजाबी रहने देते हो, पंजाबी बुलवाते हैं आपको, पढ़ाते हैं पंजाबी, को पता है आपको, आप पढ़ लेती हो अपनी जो आपके बाप दादाओं ने वो जो गुरमुखी का लिपि लिखा था पढ़ लेती हो, तो आप पंजाबी कैसी हो फिर? वो कौन सा पंजाबी है? वो
वो कैसा इंग्लिश मैन है जो एबीसीडी ना पढ़ पाए, वो कैसा फ्रेंच मैन है जो अ ब स ना पढ़ पाए, वो कैसा जर्मन है जो अ ब स ना पढ़ पाए, वो कैसी चाइनीज होगी जो चाइनीज कैरेक्टर्स को ना पढ़ पाए। पाकिस्तान कौम नहीं है। आपका कौमी तराना किस लैंग्वेज में है? फारसी में है। आपका लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज फारसी में है। हमारी नेशनल लैंग्वेज तो इतनी अजीम है, सारी जुबानों का मिक्सचर है हमारे पास, हर वैरायटी दस्तियाब है। तो आप पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में गा रहे हो बेटा, एक ही शब्द कह सकते हैं कि कौम का गाना तो कम से कम कौमी जुबान में गा देते। आपका कौमी तराना फारसी में है, बच्चे समझो इसको। उर्दू इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज बेटा, उर्दू इज 80% संस्कृत, ग्रामर संस्कृत है, सब कुछ संस्कृत है, उसकी लिपि अरबिक है। तो उर्दू अगर गाना गा रहे हो फारसी में और ईरान को कह रहे हो कि तुम शिया हो, अरे यार खुदा का खौफ करें। दूसरों की लैंग्वेज पंजाबी में क्या बुराई थी बेटा, पश्तो में क्या बुराई थी, सिंधी में क्या बुराई थी? ये इंफीरियर लैंग्वेजेज है, पाकिस्तान पंजाबी घटिया लैंग्वेज है। बोल दो अभी, कौमी तराना गाती हो, बोलो कि पंजाबी ज्यादा सड़ी हुई घटिया लैंग्वेज नहीं है। आई एम अशेम टू बी पंजाबी, दिस इज वॉट पाकिस्तान, टू बी अ पाकिस्तानी वॉट इट मीन्स इनडायरेक्टली। आपको यही सिखाया जाता है कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ बींग पंजाबी। पाकिस्तान कौमियत नहीं है बेटा, पाकिस्तान कौमियत की किलिंग है। आपके एक एक महोदय कह रहे थे मेरा तो वो जीन्स जो है वो सेंट्रल एशिया में 99.9% ह्यूमन जीन्स सिमिलैरिटी है, 4% में कह रहे हम सेंट्रल एशियन है। पंजाबी छोड़ के बेटे आप सब हो, पंजाबी नहीं हो तुसी, पंजाबी नहीं होगे, बाकी सब होगे जी, आप सब हो। तो बनाइए हमारे यहाँ तो पंजाबी बच्चों को, हमें तो चलो थोड़ी बहुत आती है पंजाबी, बच्चे जो अब हमारे आ रहे हैं उनको पंजाबी पता ही नहीं है, पी भी नहीं पता पंजाबी का, कुछ नहीं आता उनको। इसी को जेनोसाइड कहते हैं, जाके डेफिनेशन पढ़ लेना, दिस इज नोन एज जेनोसाइड। घर में कश्मीरी में बात करते हैं, हमारे बंगाली मित्र हैं वो अपने बच्चों को बंगाली सिखाते हैं। ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा बच्चा आएगा तो तुमको उसको अंग्रेजी सिर्फ सीखेगा क्या, और अंग्रेजी भी ऐसे लिखते हैं यार खुदा का खौफ करे। आई एम सो सॉरी टू से पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चों की, एक महोदय ने आर्टिकल की स्पेलिंग लिखी आर्टिफिशियल, तो भाई अब आप सोचिए कि कहाँ आपकी अंग्रेजी भी क्या सीख रहे हो आप। मैं आपसे यही कहूँगा, अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाएं, पंजाबी होने पे गर्व करें।